रोजेदार को अल्लाह की खास रहमत नसीब होती है। एक हदीस में आता है कि लिस्साए में फरहतान फरहतुन इंदा फित्र ही व फरहतुन इंदा लिकाए रब्बे। रोजेदार को दो खुशियां में नसीब होती है। एक खुशी उसे तब मिलती है जब वो रोजा खोलता है, जब सारे दिन की भूख और प्यास काटने के बाद शाम के लम्हे होते हैं और फिर रोजा मंजिल तक पहुंचता है तो किस मुसर्रत और खुशी और सरशारी के आलम में रोज़ादार होता है कि शुक्र है कि इतनी लंबी और इतनी सख्त गर्मी के माहौल की शिद्दत के बावजूद अल्लाह ताला ने मुझे रूब मंजिल किया। तो उस वक्त एक एहसास उसके साथ जुड़ा होता है और फिर जब वो ठंडा और मीठा मशरूब अपने कामों दहन में टपकाता है और वो ठंडा मीठा मशरूब उसकी रगों को तर करते हुए मैदे की तरफ बढ़ रहा होता है, उसकी ज़ुबान बोले ना बोले दिल अल्लाह का शुक्र अदा कर रहा होता है, उसका एक एक उज़्वे बदन रब का शुक्राना अदा कर रहा होता है, वो ठंडा और मीठा मशरूब रगों को तर करता हुआ आगे बढ़ता चला जाता है, लेकिन शुक्राने का वो पैकर बन जाता है। वो एक मुसर्रत एक खुशी का आलम होता है कि रोज़ा भी निप गया, सारे दिन की तकलीफ भी कट गई और अल्लाह ने मुझे इफ्तार के लम्हों तक पहुँचाया। फरमाया रोज़ेदार को एक खुशी तब मिलती है जब वो रोज़ा खोलता है। वह फरहतुन इंदा लिकाए रब्बे और